हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। पाक भारत रिएक्शन चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मिलते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है इमरान अल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद इकराम। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट देने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अर्ली हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवीज 2020-2022। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना रिव्यू एंड में देते हैं। इससे पहले जो भैया अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को थंब से दबा दें ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके और वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक वादा करता हूं आपसे मिस्टर नारायण शंकर, कि जब तक मैं यहां से जाऊंगा, मैं यहां पर इतनी मोहब्बत भर दूंगा कि 10 जन्मों तक भी आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। तुम खुश तो हो ना पारो। अरे वहां की तो बात ही कुछ और है देव। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी हो गई हो तुम पारो। अमन अमन तुम ना जाने कहां से आए और कितना कुछ बदल गया जिंदगी में। वो एक हिंदुस्तानी है, उसका नाम वीर प्रताप सिंह है। तो फोन कॉल और कर लेना चाहिए थे मुझे। अरे मेरे भाई, क्या टाइम पे एंट्री मारी तुम लोगों ने। मेरे भाई दो चार फुट वॉल किचन है। ले ले, मेरी की, मैं मेरी की। ही इज द परफेक्ट थीफ। तुमसे मिलके बहुत मजा आएगा मिस्टर ए। आई थिंक वील हैव फन। पप्पू मास्टर तुझसे कह रहा हूं कि तू हीरो बनेगा। जरा पता करना है कि ये मेरे डायलॉग क्या। तुम्हारा डायलॉग है भागो भागो। सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं, कौन है तुम लोग? नहीं पता है। भाग 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 भाग। अरे तुम्हारा रोल नंबर क्या है? किधर है उसका? बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग मैडम। इस बार तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड भी जाएगा। ओह गॉड, बॉडीगार्ड कॉलेज में? नॉट सर, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड। तुम करते क्या हो? मैं एक राइटर हूँ। तुम्हारी शादी हो गई? दो चोरियां, चोर दोनों बार हिंदी में लिख के गए। जोकर का मास्क छोड़ के अगर उसे पकड़ना है तो हम उसे चोरी करवाएंगे फिर से। वी मेक हिम रॉब अगेन। मस्खरा मजाकिया विदूषक जोकर क्लाउन। उसके सतरंगी कपड़े और उसका अतरंगी डांस, पान देखते ही मुंह में पानी आ जाता था। कहता था शहर के हर ब्रिज पर होते हैं एटीएम, जितने पैसे चाहिए निकाल लो। हिंदुस्तानी जासूस को कड़ी सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से सीधा इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार, वो देखो। जनाब बिल्कुल मेंटल है ये। जय श्री राम। और वो चीज जो पहलवानी सिंह का ध्यान हटावेगी, मैं उसने हटा दूंगा। हाथों की पहलवानी अब तंग लोग का।
चिट्ठी रीलोडेड वर्जन 2.0। मेरे रास्ते से हट जा, जो सीखा है आपसे सीखा है। गद्दारी तो आपने सिखाई ही नहीं। मुक्का मुमरट नाउ सुबेदार तानाजी मालुसरे। बाबा सब कह रहे हैं ये लोग हमें तुपाकी चिंदे है ना कोटले चिंदे है यो वोड़ी युद्धों आड़ दे पुष्पा पुष्पराज ये वत्ते के दले युद्धा निवेदु कुंटू आयुधालु वाटन तटवे उस्ताई कुंभस्थला बदल को भला। अच्छा वीडियो खत्म हुई है तो वीडियो देखकर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज मेरे नॉलेज में आई है, मतलब है ये चीजें मैंने पहली दफा सुनी है और देखी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर जो मूवीज थी वो उन्होंने तेलुगु के हिसाब से बॉलीवुड की जो मूवीज थी बिजनेस कम किया है या ये अब ज्यादा कर रही है, तो ये जो बातें हैं वो कहने वाली हैं। लेकिन यकीन माने इकराम भाई, जो मूवीज पहले आई थी ना बॉलीवुड की, जैसे मोहब्बतें हैं, कभी खुशी कभी गम, देवदास, कल हो ना, वो आज भी हमारे घरों में मतलब देखी जाती है। वो फैमिली में बैठ कर मूवीज देख सकते हैं, उनमें कोई ऐसा पार्ट नहीं था, कोई ऐसी बेशर्मी वाली बात नहीं थी। 2002 से शुरू हुई है ये बॉलीवुड की जो हिट हुई सुपर हिट, उनके सॉन्ग आज भी चलाए जाते हैं। मतलब है वो ये 90s का जो है ना इरा, इनका वो बहुत खूबसूरत था 90s के बाद जो तो पहले वाले जो सॉन्ग थे पहले वाले, उनको हम कहते थे सदाबहार मूवीज, वो हर टाइम चलती हैं, कभी ना कभी वो कहीं भी अभी भी चल रही हैं, तो देखकर मजा भी आता था। मतलब बंदा जैसे भी किसी टेंशन में होता था ना, तो वो देखकर बंदा थोड़ा सा ना अपने आप को महसूस करता था, बोरिंग नहीं होती थी। तो लेकिन ये गरमूर में आ गए थे जो बॉलीवुड वाले हैं ना, ये ज्यादातर गरमूर में आ गए थे। देखो जो इनके फैन थे, ये तो बढ़ने चाहिए थे, जैसे जिस हिसाब से जिससे शुरू हो रहे हैं उस तरीके से ये बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ये कम हो गया। आप देखो बाहुबली कहाँ पे पहुंची, मैं आपको बताता हूँ ना, इनकी मेन वजह ये है ना कि इन्होंने एटम सॉन्ग का मुतारफ किया, जैसे एटम सॉन्ग का मुतारफ किया बेहयाई पहला शुरू हुई, लेकिन इनके बाजार तो पैसे तो ज्यादा कमाने लगे, लेकिन बाद में इनकी इंडस्ट्री पर सवाल आना शुरू हुआ। इंडस्ट्री पे आप देख लें कि यकीन माने हम ना जब हमारे यहाँ पहले मतलब हर जगह पे तो नहीं ना होता था डीवीडी या ये चीजें, तो हम घर से छुप कर लेते थे, तो या रेंट पे लेना या जहाँ पे टिकट होनी, टिकट के भी पैसे ना होने, तो मतलब है डिजिटल सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत बड़ी आसानी हो चुकी है। अब हर बंदे के पास मोबाइल है, तो अगर ये चीजें वैसे के वैसे रहती ना, तो मैं कहता हूँ कि ये अभी भी उनसे बिजनेस ज्यादा करती है। जैसे इनको सदा बार कहा जाता है मूवीज को, असल चीज ये हुई है कि नहीं, वो दौर के साथ थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है, ये तो उनका एक अपने ही है ना। लेकिन बॉलीवुड की फलाफ की होने की एक वजह ये भी है ना कि इनके पास आप वो पहले वाले टॉपिक ही नहीं रहे, टॉपिक ही नहीं रहे। टॉपिक क्या, वो सलमान खान जो है वो सिर्फ अपनी एक बॉडी है उसके पास, जैसे दबंग है आमिर खान, वो अपना स्टाइल बदलते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। सबसे ज्यादा महंगे बजट वाली फिल्म ठाका हिंदुस्तान, वो बुरी तरह फिटी है, जिस तरीके से कुछ भी नहीं कमाया। मीता बच्चन बहुत बड़ा एक नाम है, आमिर खान इतना बड़ा नाम है, लेकिन कैटरीना कैफ सब टॉप पे थे वो थे, लेकिन सट पर किस तरीके। अच्छा एक चीज है अपने इकराम भाई, ये जो अभी तेलुगु मूवीज है या दूसरी जो ये बॉलीवुड वालों ने चेंजिंग किया, जैसे आप बता रहे हैं एटम सॉन्ग ये वो, तो ये चीज सिर्फ एक दफा बंदा देखता है, एक या दो दफा भूल चुके, उसके बाद देखने को दिल ही नहीं करता। और जो सदाबहार मूवीज थी 90 से लेकर 2000 तक, वो मूवीज आप आज भी घर में देख सकते हैं। और मैं आपको बात थोड़ा इलम इजाफा कर दूं, आपको बताना चाहता हूँ, जो तेलुगु फिल्में थी ना इनको कॉपी करती बॉलीवुड, ऐसे उनकी जो पुरानी हिट फिल्में उनको कॉपी करके ये बनाते हैं तेलुगु वाले, ना बॉलीवुड ना हॉलीवुड वो कॉपी नहीं करते। अच्छा इकराम भाई आप इस चीज को मानेंगे, मोहब्बतें मूवी आया उन्होंने 90 करोड़ का उसने बिजनेस किया,
मैंने बार बार देखी है उसके, कभी खुशी कभी गम, उसने 135 करोड़ का, लेकिन वो भी मैंने बार बार देखी। उसके बाद पीके मूवी है, दिल को अच्छी लग जाती, कोई ना कोई मूवी ऐसी घरों में भी वो चीज देखने वाली होती है ना, फैमिली में भी। इनका मेरा कहना सबसे ज्यादा जो है ना शाहरुख खान, वो ज्यादा पैसे कमाता है, मूवीज उसकी ज्यादा हिट है। अब वो ब्लॉक हो गया, अब 2-3 साल के लिए उसने कोई फिल्म लॉन्च नहीं की। अभी पठान आ रही है, अभी तो उसने की नहीं, वो करता भी कम है, लेकिन उसकी बिजनेस ज्यादा करती है। वो ब्लॉक हो गया था, लगातार आमिर खान की फिल्म में सबसे ज्यादा। और आमिर खान मेहनत भी करता है यार, दंगल भी जितना वेट असल में बढ़ाया है, कोई अपने आप भी तो फिल्म करता। अच्छा दंगल उसकी बहुत आगे, 2,226 करोड़ मतलब 2,026 करोड़ रुपया उसने दंगल, अभी 1,500 करोड़ रुपया तो उसने चैनल में कमाया। अच्छा अभी वो टॉप ही है ना, मतलब पहले नंबर पे वो जा रही है अभी, उसे कोई क्रॉस अभी की नहीं किसी फिल्म में, नहीं क्रॉस नहीं। अब ये है ना मेरी बात सुनो, ये देखो ना अभी हो सकता है, देखो वो बनी है 2016 में, तो हो सकता है ये बाहुबली उसको कर दे क्रॉस। अभी वो पता वजह क्या है, मेन वजह क्या है, आमिर खान ने जब फिल्म बनाई थी ना, जो एक्सरसाइज की थी, जो अपना पेट बढ़ाया था, जिसम बढ़ाया था, वो छोटे छोटे क्लिप उसने पहले लॉन्च कर दी, लोगों ने देखा कि यार ये क्या यार अपना वेट बढ़ा रहा है, ये पतला कैसे होगा, इतना वेट बढ़ा दिया। आमिर खान को सांस की बीमारी हो गई थी, अच्छा वेट के साथ। अच्छा जब वो इतनी लोगों को टेंशन पड़ी थी ना कि इतना वजन तेज ज्यादा कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, लोग खुद को खुद जाते थे कि यार देखे हकीकत में इसने किया क्या है। उसने भी मतलब खासा अच्छा 969 करोड़ तकरीबन, उसने भी 1,000 करोड़ तक बिजनेस कर लिया है। अच्छा बच्ची की आपकी इस बात में क्या रहा है कि ये जो अभी तेलुगु मूवीज आई है, पहले तो ये 1921 से लेकर 96 तक तो ये चेन्नई में बनती थी, तब मेरा कहला इनकी हेडक्वार्टर चेन्नई में था, तो ये तब तो इन्होंने बिजनेस इतना नहीं किया, भी नहीं करते थे। हाँ तो जब हिंदी में लाया नहीं जाता था, उन्होंने यहाँ पर आकर लेकिन इकराम भाई अगर ये बिजनेस के लिहाज से देखा जाए, अगर ये इनको पीछे छोड़ भी जाते ना ना शुमार भी, लेकिन ये सदा बाहर नहीं रहेंगे, ये वक्त के लिहाज से बदलते रहेंगे। हाँ जैसे वो मूवीज लेकिन ये एक तरीके ये वायरल वजह है कि ये किसी की कॉपी नहीं करते, ओरिजिनल जैसे पुष्पा राज कैसे एक ऐसे करके, और ये स्टाइल उसके इतना चला है ना, तो ये मूवी चले ना चले स्टाइल अपना बॉलीवुड वाले ये कॉपी करते हैं, ये भी तो अपनी नहीं, बॉलीवुड में सारी कॉपी आप देखिए सर्च करें, अक्सर फिल्में कॉपी है, इनकी बॉलीवुड से ये कॉपी करते हैं, बहुत सारे ज्यादातर तेलुगु फिल्मों से करते हैं, कंटेंट चुराते हैं, पाकिस्तानी कितने सॉन्ग इन्होंने चुराए हैं, ये बहुत ज्यादा। लेकिन इकराम भाई हर बंदे की अपनी चीज एक नेचर होती है, मतलब वो क्या चीज पसंद करता है, मतलब देखो ना मैं तो ये मेरा जो अंदाजा है कि अगर ये मतलब ये चीजें फ्लॉप नहीं होंगी, ये ता याद चलेंगी, मतलब जैसे मोहब्बतें कभी खुशी कभी गम, देवदास, कल हो ना हो, धूम, ये मूवीज चल रही है, अभी भी चल रही है, इतना इतना नहीं चल रही, आप इनका राज आ गया है यार, ये आर आर की गिनती ट्रिपल भक्ति तौर पे चल रही है, भक्ति तौर पे, लेकिन बाद में नहीं चलेंगे। आज से 5-7 साल बाद बाहुबली चल रही है, अभी भी चल रही, कितने साल में, कितने साल में, 2-3 साल 4 हो गए, अभी चल रही, अभी देखना आगे 20-40 साल तक चलती नहीं चलनी, ज्यादा नहीं आप चल नहीं चलेगी यार, बहुत ज्यादा अच्छे डायलॉग ने, बहुत ज्यादा फेमस, बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं, आज तक किसी को समझ नहीं, स्टोरी इतनी अच्छी है, टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा नहीं बता दिया, दूसरे पार्ट आज तक तो किसी को समझ नहीं, नहीं बता दिया, दूसरे पार्ट में बता दिया, नहीं नहीं बताया, आप देख लीजिए, नहीं बताया था कि बताया था आपको, बहुत लंबी स्टोरी, वो कैसे बताया, वो कैसे एक
उनके वालदा को गुमराह करके उसे अफवाह बली को मरवाया गया। असल में जो इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जवाल की वजह है वो टॉपिक का ना होना और उसी तरीके वो एक ही टॉपिक से पिटक उसी तरीके से बार बार ला रहे हीरों के साथ हीरो ज्यादातर। और असल दो चीजें जो आपने पहले बताई ना इकराम भाई वो भी इनकी है जवाल का जो इन्होंने अपना एटम सॉन्ग अब ज्यादा फिल्मों को कमर्शियलाइज इंडिया में ज्यादातर एडम सॉन्ग देखा जाता है सुना जाता है इसलिए वो ज्यादातर करते हैं। क्या वो ये पुष्पा राज ने दिया एडम सॉन्ग है? हाँ ये भी है मतलब है वो अपने हिसाब से बनाते हैं उनके वो लेकिन ये मैं आपको बता दूँ ये इनकी जो मूवीज है ना जिन्हें हम सदा ये पूरी दुनिया में चलती है मकसद ये है कि एक जो इनके अपने मुल्क है ना तेलुगु जुबान तेलुगु लोग इनके अपने ही है ना बॉलीवुड के लेकिन बॉलीवुड ने उनको वो अपनी इज्जत नहीं दी आगे आने का मौका नहीं दिया और जब उन लोगों ने अपनी मेहनत से आगे आए अब उनको पूछ नहीं कोई रहा। सही बात है ये भी है। चलो भाई हमें तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।